नमस्ते आंटी जी। बेटे तुम? आंटी मुझे पम्मी से मिलना है। हाँ हाँ बेटे आओ। कहाँ थे? पम्मी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ चले जाते हम लोग कितने परेशान हो जाते तुम्हें लेकर कुछ पता है तुम्हें? अंकल जी बार बार मुझसे फोन करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो तुम क्या जवाब दो कभी गायब हो जाते हो कभी वापस आ जाते हो वॉट्स गोइंग ऑन राहुल? अभी तुम नहीं जानती मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ। मैं नताशा को ढूंढ रहा था। तो वो मिली? हाँ। क्या, क्या क्या कहा उसने? उसने डिवोर्स देने से इनकार कर दिया। मम्मी मम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना डिवोर्स लिए हम दोनों साथ में रह लें? ऐसा नहीं हो सकता राहुल। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। लगता है मैंने यहां आकर गलती की। चलता हूं। तुम्हारी घड़ी कहाँ है? वो रिपेयर करने दी। तुम एक मिनट यहीं ठहरो मैं अभी आई। हाँ राहुल यहाँ क्यों आया है? आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों? ये क्या कर रही है मम्मी? हम दोनों अलग हैं क्या? लेकिन ये पैसे मैं चलता हूँ। नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी तुम तो पिकनिक पे जाने वाली थी ना आनंद के साथ, फिर क्या हुआ? इस आदमी को देखकर अपना इरादा बदल दिया तुमने? तुम इस आदमी के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर दोगी लेकिन ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। दीदी प्लीज अब आनंद जी आए हैं उनके सामने कोई सीन मत क्रिएट कीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ओके मम्मी चलो भाई देर हो रही है। सॉरी पर मैं नहीं आ सकती। आई अंडरस्टैंड। हेलो सर। सॉरी। इट्स ऑल राइट नो प्रॉब्लम। जब तुम्हें उसके साथ जाना नहीं था तुमने क्यों वादा किया उस आदमी से? दीदी मैं आपको एक बात बता दूं, आप मेरी जिंदगी में दखल ना दे तो बेहतर होगा। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। मम्मी मैं चलता हूँ। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, ये जाएंगी माँ। माँ राहुल जी आज यही खाना खाएंगे। अब तो आप ऑफिस नहीं जाना, जाइए ना दीदी प्लीज लीव। कर रही हूँ मैं चला जाऊंगा।